जनता टीवी पर। और आपको बता दें कि कल 21 अक्टूबर है, यानी कि चुनावों का दिन है, और इसी कड़ी में ईवीएम को लेकर ट्रेनिंग भी दी गई है, सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद पूरे तरीके से कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें तो शाम की है, जहां पोलिंग पार्टियां पूरी तरीके से तैयार हैं और कल मतदान होगा। और बता दें कि प्रदेश में 19,500 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं विधानसभा चुनाव में, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वहीं आपको बता दें कि एडीजी, आईजी, पुलिस आयुक्त और एसपी तैनात रहेंगे, 75,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी सुरक्षा का मोर्चा संभालेंगे, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 130 कंपनियां भी रहेंगी। और आपको बता दें कि 22,806 होमगार्ड भी मोर्चा संभालेंगे, 130 कंपनी, 75,000 जवान और 7,936 पुलिस अधिकारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक मुटरेजा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दीपक, और क्या कुछ जानकारी आ रही है चुनावों की तैयारियों को लेकर? जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, 75,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, तो शाम में क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, आपको बता दूं, चुनाव होने वाला है कल, उसके लिए चूंकि चुनाव के काफी हथियार बाकी है, पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है, प्रशासन को उनसे कुछ कह रहा है। इस तरह से प्रशासन का कहना है कि अगर भिवानी विधानसभा की अगर बात की जाए तो 225 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं, 117 लोकेशन यहाँ बनाई गई है, और पुलिस को भी इतना टारगेट दिया गया कि कोई व्यवस्था खराब होती है तो केवल 7 मिनट के अंदर उस बूथ पर पहुंच करके व्यवस्था को सुधार। जी जी दीपक, और ये भी कहा जा रहा है कि जो तमाम होटल्स और सराय घर है उन पर भी अच्छी खासी नजर रखी जा रही है कि कहीं आउटसाइडर्स वहां सराय ना ले लें। जी दीपक, बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्रशासन ने यह भी व्यवस्था की है कि कोई बाहरी व्यक्ति जो है वो जिले के अंदर ना रहे, कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रचार के लिए यहाँ आया हुआ था उसको साफ तौर पर कह दिया कि वो जिला छोड़ दे, अपने अपने जगह पर जाकर जहाँ वो रहता है वहां पर जाकर अपने मत का प्रयोग करे, ऐसी कोई व्यवस्था खराब ना हो, इसलिए पूर्ण रूप से प्रशासन जो है पूर्ण रूप से मुस्तैद। जी, यही बता दूं आपको कि अभी पोलिंग पार्टियां जो है वो यहाँ से निकल भी चुकी है, अपने अपने बूथों पर पहुंचने वाली होगी और आज शाम से ही वो अपना अलर्ट हो जाएंगे। और कल सुबह 5:30 बजे बताया गया है कि 5:30 चुनाव आयोग के निर्देश है कि बूथ कॉल होगा और 7 बजे से जो है वोटिंग का जो कार्य है वो सुचारू रूप से शुरू होगा। जी दीपक, अगर यहाँ के मतदाताओं की बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा है इस बार विधानसभा चुनावों उपचुनावों को लेकर? अगर भिवानी विधानसभा की अगर बात की जाए तो 2,14,000 के आसपास मतदाता है जो कि अपने मत का प्रयोग कल सुबह से करना शुरू कर। जी जी दीपक मुटरेजा, ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान है और जो यूनिवर्सिटी है वहां भी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी, आपको बता दूं कि पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था बनाई गई है, हर जितने भी शैक्षणिक स्थान है या जहाँ पर भी बूथ बनाए गए हैं वहाँ पर 144 भी लगाई गई है ताकि कोई भी व्यक्ति, 4 से ज्यादा व्यक्ति जो वहाँ इकट्ठे भी ना हो, कोई किसी प्रकार की अशांति ना फैलाए, पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था भी वहाँ पर बनी रहेगी, पुलिस की मुस्तैद, पुलिस वहाँ मुस्तैद रहेगी, हर तरह से प्रशासन की पैनी नजर जो है वहाँ पर बनी रहेगी। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि वोटिंग के लिए सब कुछ तैयार है और 7,936 जो पुलिस अधिकारी हैं वो तैनात किए गए। इसके अलावा आपको बता दें कि 75,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इन चुनावों के लिए लगाए गए हैं, 19,500 बूथों पर ये वोटिंग होने जा रही है। और आपको बता दें कि पड़ोसी राज्यों द्वारा अंतर्राज्यीय सीमाओं को भी सील करने के लिए एरिया में ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल को तैनात किया गया है। और आपको बता दें कि सभी एडीजीपी और आईजी, पुलिस आयुक्त और जिला एसपी, उन सभी को कानून व्यवस्था ठीक रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के पूरे तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, डीजी, आईजी, पुलिस आयुक्त को एसपी तैनात किए गए हैं। और आपको बता दें कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रोहतक से हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, रोहतक में किस तरीके की तैयारियां चल रही है इस वक्त? देखिए दीपिका, पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ईवीएम मशीन जो है उनके साथ साथ वीवीपैट जो मशीन है वो भी सौंप दी गई है। पूरी तरह से जो है एक एक चीज जो है चेक करके और उनको ट्रेनिंग जो है पूरी तरह से वो दी गई है
तब जाके अधिकारियों को, जो उनके कर्मचारी थे उनके साथ साथ एक अधिकारी भी होगा, उनको जो है उनके गंतव्य पर पहुंचाने के लिए गाड़ियों में बैठा दिया गया है। तो फोर्स जो है वो पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। अगर रोहतक विधानसभा की बात करें तो पूरी तरह से चारों तरफ से सील कर दिया गया है। चारों तरफ जो है हर आने जाने व्यक्ति पर जो है बारीकी से चेक की जा रही है। जो गाड़ी है उनको भी चेक किया जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, उनकी आइडेंटिटी जो है वो चेक की जा रही है। और खासतौर पर जो होटल रेस्टोरेंट धर्मशालाएं हैं उनको भी चेक किया जा रहा है कि कौन व्यक्ति कहाँ से आया है और किस मकसद से वो रुका हुआ है। तो ये कहें कि प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से तैयारियां यहाँ पर कर ली गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 58 प्रत्याशी मैदान में है, उनका जो है कल फैसला होना है और वोटर जो है पूरी तरह से तैयार है। उत्साह जो है लोगों में वो काफी दिखाई दे रहा है। सुबह 7 बजे से जो है वोटिंग डलना शुरू हो जाएंगी, उसके बाद जो है धीरे धीरे सुबह थोड़ा सा परसेंटेज कम होता है, क्योंकि हमने लोकसभा में देखा कि सुबह थोड़ा थोड़ा सा जो वोट परसेंटेज वो कम होता रहा है। उसके बावजूद धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ता जाएगा तो वोट परसेंट जो है वो बढ़ता ही जाएगा और लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, कंपटीशन जो है काफी तरह से। जी बिल्कुल संजय, संवेदनशील और अति संवेदन मतदान जो केंद्र है उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या अलग से ज्यादा सुरक्षा दी गई है वहां पर? बिल्कुल दीपिका, देखिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक विधानसभा में जो चार रोहतक लोकसभा में चार विधानसभाएं आती हैं, तो इनमें चारों की चारों में जो है करीबन 9 बटालियन के करीबन पैरामिलिट्री फोर्स है, हरियाणा पुलिस की जो फोर्स है वो लगा दी गई है। ये कहें कि लगभग जो है पूरी तरह से तैयारियां कहें पूरी कर ली गई है। और आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो सवाल जो है आपने किया, थोड़ा सा मैं सुन नहीं पाया क्योंकि आवाज जो है वो कम है, तो एक बार दोबारा से दोहराएंगे अपना सवाल। जी संजय, क्या जैसे कि पिछली बार पिंक बूथ बनाए गए थे तो इस बार भी किए गए हैं क्या मतदान केंद्र पिंक बूथ? बिल्कुल, देखिए दीपिका हर चुनाव होता है तो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से उन पर नजर जो है चुनाव आयोग की भी रहती है और प्रशासन की भी रहती है। तो 45 से करीबन अति संवेदनशील बूथ जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, उन पर कड़ी नजर जो प्रशासन की तरफ से वो लगाई दी गई है और एक्स्ट्रा जो फोर्स है वो भी लगाई गई है। ये कहें कि किसी प्रकार की चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं पूरी हैं और किसी प्रकार का कोई हुल्लड़बाजी या कोई इस तरह की बूथ कैप्चरिंग या फिर ईवीएम मशीनों में कोई गड़बड़ी जो है ना कर पाए उसके लिए पूरी तैयारियां से कर ली गई है। जी संजय, वेब कास्टिंग को लेकर किस तरीके की तैयारियां की गई है रोहतक में? बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि जिस तरह से मैंने कहा जिस तरह से चुनाव आयोग की बात करें तो उन्होंने पहले से ही लोगों में जो एक बड़ा मैसेज दिया गया था और तो चुनाव आयोग की तरफ से भी काफी मैसेज दिए गए थे कि लोगों में जो है जागरूक हो वोटर डालने के लिए, और ये अभियान भी चलाया गया था, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बड़ा अलर्ट दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात जो अति संवेदनशील जो बूथ होते हैं उन पर काफी सारी जो घटनाएं होती हैं उसको रोकने के लिए भी काफी प्रयास जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए गए हैं, वीडियोग्राफी जो है वो होगी, तो ये कहेंगे पूरी तरह से जो है सावधानी बरती गई है। जी संजय, पूरी तरीके से सावधानी बरती गई है और फ्लैग मार्च भी पुलिस के द्वारा किया गया है और उसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड की भी पूरी तरीके से तैयारियां की गई हैं सुरक्षा को लेकर। संजय बिल्कुल दीपिका, लगातार जो है पुलिस एक महीने से जब से चुनाव की घोषणा जो तारीख है वो घोषणा की गई है तब से लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट यहाँ पर दिखाई दिया है। उसके बावजूद जैसे ही नामांकन दाखिल हुए जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फ्लैग मार्च निकालता हुआ दिखाई दिया, डॉग स्वैट जो है वो वहां पर दिखाई दिए, स्वैट जो कर्मचारी हैं स्वैट के पुलिस हरियाणा पुलिस के स्वैट कर्मचारी हैं वो भी जो है पूरी तरह से तैनात दिखाई दिए, और हरियाणा पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो सिविल कपड़ों में भी दिखाई देंगे क्योंकि खुफिया विभाग जो है पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई हुल्लड़बाजी ना हो, किसी प्रकार का कोई बूथ कैपिंग जैसी घटनाएं सामने ना आए। जी जी बिल्कुल संजय कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि सीआरपीएफ की 130 कंपनी भी सुरक्षा में तैनात की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि 75,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयार किए गए हैं। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।